टोरियल hey मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर ऑल अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वेल आज के लेक्चर का हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज विथ होम हैज अ इंडियन स्पाइसिस बोर्ड साइन एंड एग्रीमेंट टू डेवलप

सिके मैं देखे देखने को मिली उसको डिटेक्ट किया जाए और फिर देन उसको रिजॉल्व करा जाए ठीक है कॉडिमम बेसिकली बोलते हैं इलायची को ओके चले अगला जो क्वेश्चन है न, पूछा गया है बताइए हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द संपूर्णता अभियान ठीक है संपूर्णता अभियान जो है रिसेंटली इन्होंने लॉन्च करा क्वेश्चन में ये पूछा तो इसका जो आंसर है दैट इज पॉलिसी कमीशन आंसर है पॉलिसी कमीशन ने इसको लॉन्च करा है ठीक है ये बेसिकली आप लोगों का तीन मंथ लॉन्ग जो है संपूर्णता अभियान जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल सितंबर थर्टीन तक ओके चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए विच कंट्री होस्ट फोर्टी सिक्स सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इसका मतलब इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस की जो ये जो जो एजेंसी है है इसका 46 जो सेशन है, वो किस कौन सी कंट्री जो है वो करने वाली है क्वेश्चन में पूछा है तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया अब इंडिया जो है फोर्टी सिक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन जो है वो होस्ट करने वाली है अब ये कहां पर होगा ये बेसिकली होने वाला है कहां पे डेली में इसमें पच्चीस सौ डेलीगेट्स 195 कंट्रीज से यहां पे आएंगे एंड इसका जो मेन मकसद है ये गैदरिंग का जो मेन मकसद है वो यही कि जो भी जितने भी हमारे ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल कल्चरल सिग्निफिकेंस मतलब ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारे कल्चर्स की बात करें या हेरिटेज की बात करें तो उन सभी मैटर्स की इंपॉर्टेंस को लेके यहाँ पे गैदर करके इनके ऊपर डिस्कशन जो है वो की जाएगी ठीक है अब बेसिकली यूनेस्को के अंदर जितने भी यू नो वर्ल्ड हेरिटेजेस जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी जो मतलब बहुत खूबसूरत है या बहुत प्राचीन है उनको रिकोगनाइज करती है और उनको ऐड करती है हेरिटेज सेंटर्स के अंदर क्लियर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमेटी देखो नेशनल मेडिकल कमीशन सॉरी कमेटी नहीं है कमीशन है नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट करे गए ये क्वेश्चन में पूछा गया तो इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर डी एन गंदार ठीक है बी एन गंदार डॉक्टर बी एन गंदार को एज अ चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन का अच्छा आपको एक चीज मैं बता दूं ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में और इसने किसको रिप्लेस करा था इसको रिप्लेस करा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को मतलब पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था फिर पच्चीस सितंबर दो हजार बीस को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बनाया गया नेशनल मेडिकल कमीशन ठीक है और अब इसके न्यू जो चेयरमैन है वो अपॉइंट हुए कौन डॉ बी एन गंदार क्लियर अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए इज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिटी 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज मतलब 2024 की जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समिट है वो कहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी ठीक है तो इसका जो आंसर है दैट इज अस्ताना कहां पे की जाएगी अस्ताना और इंडिया का जो डेलीगेशन है इंडिया के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं फॉरन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अगला जो क्वेश्चन आप पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज जंक डीएनए रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़ मतलब जंक डीएनए क्या है जो रिसेंटली मेंशन किया गया देखने को मिला न्यूज़ में तो इसका जो आंसर है दैट इज़ नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए ओके नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए ओके अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है बताइए विच टू ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एंड माओ टू डेवलप ए आई फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग लार्ज कॉर्डम डिजीज इन सिक्किम मतलब सिक्किम में जो बहुत बड़े पैमाने पे कॉर्डम डिजीज मतलब इलायची के पत्तों में जो डिजीज देखी गई है तो उसको

तो वो इमीडिएटली आपके माइंड से आउट हो जाएगा ठीक है कहानी वही है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप इसका बता देंगे कि, कि क्या है ये दैट इज एन आई सी एंड स्पाइसिस बोर्ड ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा अब ये क्वेश्चन में ऐड करने का सिंपल एक ही मकसद था कि यू पीपल कम टू नो दैट हाउ द क्वेश्चन कैन बी मोल्ड फॉर यू इन द कंपिटेट एग्जाम राइट सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर यूर कमिंग अपकमिंग कंपिटेटिव एग्जाम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्रम वन मिसाइल आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ स्ट्राइक मिसाइल इट इज इज इट कहने का मतलब ये कि इंडिया ने रिसेंटली एक टेस्ट uh, फायर जो है वो करा है एक मिसाइल का जिसका नाम है रुद्रा वन ठीक है अब ये रुद्रा वन जो है किस तरह की मिसाइल है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये जो आंसर है दैट इज एयर टू सरफेस मतलब एयर से uh, आप लोग अटैक करोगे सरफेस के ऊपर तो एयर टू सरफेस जो है ये उस टाइप की मिसाइल है अगला जो क्वेश्चन आप पूछा गया बताइए वेयर विल द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 बी प्लान कहने का मतलब ये कि ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 की कहां पे प्लान की जा रही है कि कहां पे होगी तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली कहां पे होगी न्यू दिल्ली में होगी अब बेसिकली इसमें क्या है कि जितने भी यू नो ग्लोबल पार्टनरशिप जो है जिनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है ठीक है उन सभी को चेयर करेंगे इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सबमिट में सो दैट कि यू नो आज आप सभी को पता है कि जितना भी नेक्स्ट जो जनरेशन है इवन जो स्टार्ट हुई है ये सब ए का टाइम है ठीक है सर्च इंजन गूगल एंड इन सब चीजों का जमाना जो है वो निकल गया खत्म हो गया अब नया दौर आ रहा है ए का तो अब ऑब्वियस सी बात उस नए दौर में इंडिया जो है कैसे प्यूचे रह सकता है तो इंडिया का भी प्लान है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पे लाया जाए चेयर किया जाए ठीक है उनके साथ मिलकर बातचीत की जाए एंड क्या पॉसिबली नेक्स्ट फॉरवर्ड एक बहुत बड़ी चीज जो है एआई के थ्रू हम लोग डेवलप कर सके एआई की फील्ड में उन सभी की प्लानिंग के लिए तो ये ये तो एक्सप्लेनेशन थी लेकिन ग्लोबल इंडिया ए आई समिट जो है दो में वो कहां पर की जाने का प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं अगला तो जो क्वेश्चन पूछा गया बताइए विच टीम बॉर्न द नाइन्थ आईसी मैच वर्ल्ड कप वाइड फीटिंग साउथ अफ्रीका बाई मुझे पता है कि आपको किसी को भी इसका आंसर नहीं पता अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर आप सबके सब लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो रेडी है किस्म का और अगले वन वीक तक आपको दिख भी जाएगा क्योंकि मैं अभी पहल नहीं करना चाहता मैं चाहता हूं कि ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन आए कोई बातचीत हो देन उसके बाद मैं आपको रिवील करूं तब तक आप करंट अफेयर के साथ बने रहिए और मजे से करंट अफेयर करिए बाकी ऐसा मत सोचना रहा बैक एंड पे आप लोगों के लिए एवरीथिंग इज गेटिंग रेडी और मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा इस इस लेवल तक का कंटेंट जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है आपके साथ लेकिन अभी मैं उसको शोकेस नहीं कर सकता व्हाई बिकॉज आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड पीपल विल नॉट सी दैट थिंग सो मच सीरियस एज दे विल सी एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन या एट द टाइम ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ठीक है सो जस्ट वेट एंड वॉच माई डियर एंड वॉच द करंट ऑफ लेक्चर बाकी आप लोग जितने भी हैं जि, जितने भी बच्चों को मजा आ रहा है करंट अफेयर में जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए लाइक करिए प्यार दीजिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय